हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारे पास है एक्सपेंडिचर का टॉपिक, जिसमें हम किसी ना किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप 11th 12th में हो या फिर बीकॉम में। इसलिए मैंने टॉपिक को शेयर करना ज़रूरी समझा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि अकाउंट्स में हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हमारे पास से मीन्स बिजनेस से कोई भी पैसा बाहर जाता है, या हम कह सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में जो भी पेमेंट्स करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की पेमेंट होती है, हम वो जब पेमेंट्स करते हैं उसमें क्या हो रहा है, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है ना। इसलिए जब भी हमारा बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसका रीज़न भी हमें बताना पड़ता है। इसलिए बिजनेस में पैसा जाता है तो उसके दो मेन रीज़न होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि बिजनेस से पैसा बाहर जाता है तो उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचो, अगर बिजनेस से पैसा जा रहा उसका कुछ रीज़न तो होगा। जैसे हमने यहाँ तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी होगी, या फिर बिल्डिंग का रेंट दिया होगा, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया हो, या हमने बैंक लोन की EMI पे की हो, या फिर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की हो। और भी बहुत से रीज़न होते हैं बिजनेस से पैसे बाहर जाने के। ठीक है, और कैसे किस तरीके से पैसे बाहर जा सकता है, हमने किसी को पेमेंट किया होगा तभी हमारा पैसा बाहर गया। अगर हम किसी को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो पैसा क्यों बाहर जाएगा। पेमेंट कैसे किया, सैलरी दी हो, या रेंट दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हो, या प्रिंटिंग चार्जेस दिया हो, या आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हो, इसी टाइप से तो आपका बिजनेस से पैसा बाहर जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो एक तरह का एक्सपेंसेस भी हुआ, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करंट ईयर, इन सबसे मतलब नहीं होता है। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस को और क्या कहेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आप बेनिफिट ले चुके हैं उसी को तो एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी तो आप उसको सैलरी क्या एडवांस से देते हैं कि लीजिए एडवांस ले लिया। पहले तो आप एडवांस नहीं देते ना, पहले तो वो कुछ दिन आपको काम करता है, फिर आप उस पर विश्वास करता है, एडवांस देते हैं। तो फिलहाल अभी जो मेन बात आपकी ये है कि पहले क्या करते हैं, पहले तो आप उसको कब देते हैं, जब वो काम कर लेता है एक महीने, उसके बाद ही तो आप पेमेंट करते हैं। तो आप उसका बेनिफिट ले चुके होते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। या एक्सपेंडिचर का हमने क्या बताया, जो आपका करेंट ईयर में बेनिफिट चलने वाला है हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए अब सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। देखिए, जिस चीज़ का बेनिफिट हम करंट ईयर में ले चुके हैं, ठीक है, जिस चीज़ का बेनिफिट हम करंट ईयर में ले चुके होते हैं, चाहे पेमेंट हुआ हो या ना, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। करंट ईयर हमारा 1 साल से 1.5 साल तक हो सकता है। ठीक है, आपसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा करंट ईयर, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 साल से 1.5 साल तक हो सकता है। तो हमने क्या बताया, जिस चीज़ का बेनिफिट हम करंट ईयर में ले चुके होते हैं, चाहे पेमेंट हुआ हो या नहीं, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका पेमेंट हम करंट ईयर में देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी सैलरी हो गई, रेंट हो गया, प्रिंटिंग चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वेजेस हो गए, ठीक है, हमारे ये सबका पेमेंट हमें करंट ईयर में देना होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका बेनिफिट तो हम ले चुके हैं ना करंट ईयर में। भाई, इसका बेनिफिट तो हमने करंट ईयर में ले लिया, तभी तो इसकी पेमेंट की है। ठीक है, देखिए ऐसा समझिए, जितने भी हमने पेमेंट की, बेनिफिट भी तो हम करंट ईयर में ले लिए हैं, ठीक है, तभी तो हमने पेमेंट करी है। अब आप समझिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप कब देते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ही तो आप देते हैं, कि बिल का आप पहले ही भुगतान कर देते कि एक महीने जो बिल आप खर्च करने वाले हैं, बिल का बिल आने वाला, उसका पेमेंट आप पहले ले लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा आपने सुना होगा कभी ना कभी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जिसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इट्स एंड बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन करंट ईयर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल चुका है और आगे नहीं मिलेगा, चाहे अमाउंट पे किया हो या पे करना बाकी हो, डजंट मैटर, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे।
ठीक है ओके। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए या फिर कमेंट कीजिए। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा, जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। शॉर्ट टर्म ही तो हुआ, थोड़े समय के लिए मिल रहा है ना। हमने अभी आपसे क्या बोला, जिसका बेनिफिट हमें अभी मिल रहा है और आगे नहीं मिलेगा। तो अभी मिल रहा आगे नहीं मिलेगा मतलब क्या, शॉर्ट टर्म ही तो है, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या पढ़ा, जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और करंट ईयर में लेते हैं बेनिफिट, करंट ईयर में लेते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता यह है कि इसमें बढ़ जाता है, मतलब हमारा बेनिफिट बढ़ जाता है। बेनिफिट बढ़ने से मेरा मतलब है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहे थे, मतलब थोड़े समय के लिए आप करंट ईयर में आप बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन कैपिटल में होता है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने बैंक से लोन लिया है, उसकी ईएमआई हर साल पे कर रहे हैं, तो बैंक का लोन तो एक दो साल के लिए होता नहीं है, वो तो लंबा चलने वाला है, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल भी चल सकता है। तो उसका बेनिफिट भी तो आप ले रहे हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उसका कुछ यूज़ ही तो आप कर रहे होंगे, या फिर बिल्डिंग ली होगी, या फिर आपने गुड्स मटेरियल ख़रीदा होगा, तो उसका यूज़ ही तो कर रहे हैं और उसकी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आप बेनिफिट भी तो ले रहे हैं। तो ये आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म चल रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या लॉन्ग टर्म है। जैसे हमने आपसे बोला था इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, ये सब क्या, ये सब तो शॉर्ट टर्म थे, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म है। जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर के बाद भी मिलता रहेगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमने मशीन परचेज़ की तो हमारे पास आया क्या, मशीन आई, और गया क्या, पैसे गए। तो बिजनेस से पैसे तो बाहर जा रहे हैं, पर आ क्या रही, मशीन। तो मशीन का बेनिफिट क्या हमें कम समय के लिए मिलने वाला है, नहीं लंबे समय तक मिलने वाला है। क्या मशीन एक दो साल तो ना चलती भाई, कम से कम 4-5 साल तो चलती है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। आप कह सकते हैं ऐसे एक्सपेंस जो जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक लेंगे, ऐसे एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम लंबे समय तक लेंगे तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर अब हम ये कहें कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें थोड़े समय तक बेनिफिट देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अभी हमने पढ़ा था थोड़े समय तक हम जिसका बेनिफिट लेने वाले हैं करंट ईयर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप भूल गए तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए क्या कहा था हमने, जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल चुका है और आगे नहीं मिलेगा। जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल चुका है और आगे नहीं मिलेगा कहा था ना, उसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय तक मिलता रहेगा, ठीक है। जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय तक मिलता रहेगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्या इसमें समझना, ठीक है। पर अभी हम यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम लेते हैं इसमें। अब आपको मैं डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ते हैं इसकी। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनक्यूड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर, इट इज आल्सो कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देंगी, बस वही कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो लंबे समय तक हमें बेनिफिट देगा। एसेट क्या होती हैं, अगर हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर फर्नीचर खरीदते हैं तो ये क्या एसेट ही तो हैं, ये हमें क्या एक दो साल चलने वाली है, क्या ये कम से कम 5-6 साल तो चलती ही चलती हैं, लगभग 10-10 साल भी चलती हैं, तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, क्या चीज़ हमारे लिए शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म जो है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो लॉन्ग टर्म है के लिए वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। इसमें बताइए अब कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बताइए। रेंट पेड परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर। रेंट पेड हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए रेंट पेड क्या है, रेंट हम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक साल के लिए दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आराम 13-14 महीने 1.5 साल तक, क्या आप क्या 10 साल तक तो ना रेंट देना है। तो रेंट हमारा क्या शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म को क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेंट तो हमारा थोड़े समय के लिए चलने वाला है ना, तो हमारे लिए क्या है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा हमने, तो ये क्या होगा आप सोचिए, माल हम खरीद रहे हैं तो उसका यूज़ क्या, कोई ऐसा दुकानदार आपने देखा जो माल खरीद करके स्टॉक कर लेता कि अरे भाई इसको हम 10 साल तक यूज़ करने वाले हैं, ऐसा कौन है, कोई नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मैं आज माल खरीदूँ आज ही का आज बिक जाए, कौन चाहेगा कि उसको 10 साल तक बेचना पड़े।
तो ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। परचेज ऑफ गुड्स, इस परचेज जो हमने माल खरीदा है, ये हमारे लिए क्या शॉर्टी टर्म तो है, एक दो महीने में बिक जाएगा, बहुत ज़्यादा 6 महीने में बेच देंगे, अब क्या 10 साल तक बेचते रहेंगे क्या माल, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ऑफिस के लिए सोच लीजिए फर्नीचर खरीदा हमने, तो ये हमारे लिए क्या है, एक डेढ़ साल तो चलने वाली चीज़ है नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ है, 5 से 4 लगभग चलने वाली है, तो ये हमारे लिए क्या हुई, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई। ठीक है, आपने इसमें जो एक्सपेंस किया, पैसे दिए, वो आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।